अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी की, जो आज करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन बन चुके हैं। वो एक प्रेरक वक्ता, उद्योगपति और फोटोग्राफर है। वह इमेजेस बाजार नाम की फोटोग्राफी पर आधारित कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। आज इस वीडियो में हम आपको संदीप माहेश्वरी के अद्भुत जीवन के बारे में बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को संदीप जी से प्रेरणा मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। संदीप का जन्म 28 सितंबर सन 1980 में न्यू दिल्ली में हुआ। संदीप माहेश्वरी एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। संदीप का परिवार एल्युमिनियम का बिजनेस करता था, जो कि अचानक ठप हो गया और परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां संदीप पर आ गई। उस समय संदीप की उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। उस समय संदीप दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोडिमल कॉलेज में बीकॉम कर रहे थे। संदीप ने एक आदर्श भारतीय पुत्र की तरह अपने परिवार को आर्थिक संकटों से निकालने की पूरी कोशिश की। उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम किया और घरेलू चीजों के उत्पादन में भी हाथ आजमाया और किसी तरह अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। इन्हीं दिनों में संदीप को समझ आया कि पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा जरूरी जीवन के असली महत्व को जानना है। उन्होंने तुरंत कॉलेज से ड्रॉप आउट किया और अपनी असली रुचि और जोश को हासिल करने में जुट गए। संदीप की रुचि मॉडलिंग और फोटोग्राफी में थी, इसलिए उन्होंने साल 2000 में फोटोग्राफी प्रोफेशन शुरू किया। जब संदीप ने अपना पहला कैमरा साल 2000 में खरीदा, तो रिश्तेदारों ने उन्हें शादी और पासपोर्ट फोटोग्राफर कहकर उसका मजाक उड़ाया। मॉडलिंग की दुनिया में मॉडल का शोषण देखकर उन पर काफी गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने जूझ रहे मॉडल्स की मदद करने की ठान ली। इसलिए उन्होंने मैश ऑडियो विजुअल्स नाम की कंपनी खोली, जो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाती थी। साल 2001 में वे कई मार्केटिंग एजेंसी के साथ जुड़े और काम किया। इस कंपनी से उन्हें नाकामी ही मिली, लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी और साल 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक और कंपनी शुरू की, मगर वो भी नाकाम रही और मात्र 6 महीने में बंद हो गई। अपने नाकामियों के अनुभव से संदीप ने समाज की मदद के लिए एक किताब लिखी, मगर वो भी सफल नहीं हो पाई। इतनी नाकामियों के बाद तो कोई भी घुटने टेक दे, मगर संदीप का हौसला बुलंद रहा। उन्होंने हार नहीं मानी और लगन से मेहनत करते गए। साल 2003 में उन्होंने मात्र 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 शॉट्स लिए और एक विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली, मगर उनका ध्यान नहीं भटका और वे आगे बढ़ते गए। इन्हीं दिनों उन्हें अपनी वेबसाइट बनाने का विचार आया, जिस पर इंडियन मॉडल्स और फोटोग्राफर्स के चित्र हो। साल 2006 में उन्होंने अपनी वेबसाइट इमेजेस बाजार लॉन्च की। शुरुआत में बस कुछ ही चित्र थे और थोड़े ही फोटोग्राफर थे, मगर आज इस वेबसाइट पर विश्व के सबसे ज्यादा भारतीय चित्र हैं और हर साल ये कंपनी करोड़ों कमाती है। संदीप को पैसों का मोह नहीं है। उनका कहना है, पैसे की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, न उससे ज्यादा न उससे कम। अपार सफलता पाने के बाद भी संदीप रुके नहीं और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से युवाओं को प्रोत्साहित करने का मिशन शुरू किया। आज वे जगह जगह मोटिवेशनल सेमिनार और भाषण देते हैं और लाखों लोगों को अपने सपने साकार करने की प्रेरणा देते हैं। संदीप अपने YouTube चैनल के जरिए सेमिनारों के वीडियो इंटरनेट पर सभी से शेयर करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वे सभी सेमिनार मुफ्त में करते हैं और एक भी पैसा नहीं लेते किसी से भी। उनका एकमात्र मकसद लोगों की भलाई करना है। संदीप अक्सर कहते हैं, आसान है और लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। संदीप को उनके सफल बिजनेस और प्रेरणादायक सेमिनारों के लिए अनेक पुरस्कार मिले हैं और पूरे विश्व में उन्हें काफी लोकप्रियता और सम्मान मिला है। एक सफल उद्योगी के साथ साथ वे दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक सफलता स्रोत भी है, एक गुरु भी है और युवाओं के लिए एक आदर्श भी है। उनका कहना है, जीवन में कुछ मुश्किल नहीं, सब कुछ आसान है।